हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जब इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जब स्टॉक इस रेंज के बिटवीन काम कर रहा था अप्रॉक्स 35 के आसपास, उस वक्त हमने कहा था कि स्टॉक ने अपने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से टाटा पावर ने अप ट्रेंड का सिग्नल दे दिया है। हमने ऐसा डिस्कस किया था। हमने टारगेट के तौर पे 400 और इसके ब्रेकआउट के बाद 420 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। चैनल पर वीडियो मौजूद है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो। और हम देख सकते हैं एग्जैक्ट स्टॉक ने 420 के लेवल से हमको रिजेक्शन दिखाया। यहाँ तक का टारगेट हमको हिट होते हुए नज़र आ रहा है। जब 420 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है तो सपोर्ट कौन से लेवल पर लिया है? पहले जहाँ से रिजेक्शन फेस किया था 410 की लेवल पे, उसी लेवल से सपोर्ट लेकर रिकवरी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। जब सेलिंग आई है तो बड़ा सेलिंग भी हमको देखने के लिए नहीं मिला है। स्टॉक ने अपने हाई के आसपास अप ट्रेंड में ऊपर की ओर अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दिखाई है। तो यहाँ से क्लियर कट सिग्नल है 420 के ब्रेकआउट का। आने वाले दिन में यहाँ तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है। 420 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता हुआ स्टॉक हमको नज़र आ सकता है। जहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो अब तगड़े सपोर्ट का काम करेगा। 400 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट टारगेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 420 का लेवल। स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ 420 के लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। 420 के बाद अगला टारगेट 424, इसको ब्रेकआउट करके 430, और 430 को ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने इस हाई को यानी 440 तक के टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में या टाटा पावर में देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमको इसका ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है टाटा पावर का, यहाँ से हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 440 तक के टारगेट अब ईजिली टाटा पावर में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।